हो जाना, और वो वाली नीतू चंद्रा और अभी जो हॉलीवुड में काम कर रही है देशवा और मिथिला मखान जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी है, और मैं अगर बात करूँ बेजोड़ की, वो तो बिल्कुल एक रेवोल्यूशन है बिहार के कल्चर को दिखाने के लिए। उसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद हम सभी को कि हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आपके भीतर आए, हम उसको पर्सनल चेंज माने या फिर कैसे, आपको क्या मदद मिली कि आप वहाँ से यहाँ तक आ पाए? तो जहाँ तक बेजोड़ का सवाल है, उसका जो नींव है वो मेरे भाई नितिन चंद्रा ने ही रखा था, क्योंकि ही स्टडीड फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, देन टॉप यूनिवर्सिटी स्टडीड फ्रॉम टोरंटो फिल्म स्कूल। सो बहुत सारी हिंदी फिल्मों की ऑफर्स थी, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी भाषाओं को हमारी ज़रूरत है। जब हमें यहाँ बर्ड आए थे तो भोजपुरी के जो पोस्टर देखते थे तो उनको लगता था हम इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा। ये कहाँ के लोग हैं जिनको ऐसे दिखाते हैं और बोलते हैं कि बिहार से आते हैं? तो मेरे भाई ने बोला कि तुम देखो या ना देखो, दिखाते तो वो तुम्हारे बारे में ही हो। तो ये बात मुझे बहुत अटक गई कहीं से कि ऐसे कैसे दिखाते मेरे बारे में, तो नहीं हो ऐसे कि बिहार की बहुत लड़कियाँ आप देख लो या कितनी लड़कियाँ आई हैं सबको देखा, ऐसे नहीं है। तो कमर्शियल एंगल में अगर आपको बेचना है तो किसी भी तरीके से बेचा जा सकता है, लेकिन हर इंडस्ट्री में मुझे लगता है इस तरह की फिल्में भी बनती हैं, लेकिन अच्छी फिल्में भी बनती हैं उसके। बिहार में ऐसा नहीं होता, एक ही तरह की फिल्म नहीं बन सकती ना, वो एक सर्टन ऑडियंस को टारगेट करना ठीक है, बट व्हाट अबाउट द एजुकेटेड इलीट का जो आईएएस आईपीएस का कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स डॉक्टर्स बैठे हैं पूरी दुनिया में हैं, उन लोगों के लिए भी ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो छोटे बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेम्बर एक साथ देखें। हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की फिल्में बनती, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में है, केरला में भी एक टाइम ऐसा होता था, महाराष्ट्र में भी होता था, बट रेवोल्यूशन आने की ज़रूरत थी। और रवि यादव जी और ये सब जैसे प्रदर्शन सर या मनमोटी सर या मोहनलाल सर, उन्होंने सबने रेवोल्यूशन लिखा है, तो बिहार में कहीं तो लाना ही पड़ता। आई थिंक नितिन और मैंने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस फिल्म फ्रॉम बिहार इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार, शूट इन बिहार, और बिहार के थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम पीपल ऑफ, हाँ भाई, इन बिहार विद आर्टिस्ट फ्रॉम बिहार, और फिर यहाँ पे जॉब क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ की फिल्में भोपाल में एमपी में या बाहर की शूट हो जाती हैं, तो यहाँ से क्या होता है जॉब व्यवसाय जो बिहार फिल्मों के द्वारा बनाए जा सकते हैं वो नहीं बन पा रहे, तो माहौल नहीं बन पा रहा। जब तक माहौल नहीं बनेगा, फिल्म पॉलिसीज नहीं आएगी, फिल्म सिटीज़ का भी फायदा नहीं होगा। सो दैट इज़ वन थिंग विच वी आई थिंक मेरी रंगोली का सवाल है, क्योंकि उस वक्त वो लोग एक किसी को ढूंढ रहे थे जो यूथ आइकॉन हो और फिल्म सीख किया हो, तो शैलेश श्रीवास्तव आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें। उस वक्त मैंने बोला ठीक है आई विल, क्योंकि मैंने कभी होस्ट नहीं किया था, मुझे लगा कि कैसा लगता है होस्ट करना, क्योंकि जब हम लोग पटना में बड़े हुए थे दूरदर्शन, मेरे दादा हमेशा दूरदर्शन देखते थे और रंगोली ज़रूर देखते थे, मतलब था कि रंगोली एक टाइम पर देखते थे हम लोग, और अगर रंगोली में करने का मौका मिल रहा है तो और कोई चीज़ मुझे होस्ट नहीं करना था, लेकिन रंगोली मुझे मिला था तो एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट मैंने रंगोली किया था। और मैं डिफरेंट इसलिए भी हूँ क्योंकि जब आप मेरा किरदार देखेंगे कोई भी फिल्म में, मैं हमेशा अलग ही दिखूँगी। ट्रैफिक सिग्नल में मैं अलग दिखती थी, कोई लकी लकी हुई मैं अलग दिखती, गर्म मसाला में अलग दिखती थी। मेरा आइडिया है कि आप जिस चीज़ में हैं उसमें 100% डाल के आप वो करें, अगर एक ही जैसे दिखूँगी तो मुझे अलग अलग किरदार भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से देसवा मिथिला मखान, आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी, एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि चंपारण टॉकीज और बेजोड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है एक बिहारी के तौर पे, क्योंकि वैसा कॉन्टेंट हमने शायद नहीं कभी देखा हो जिसको किसी बिहारी कलाकार ने कोशिश की हो यहाँ से बाहर निकल कर। हाँ, ये कोशिश रहती है कि हर 3-4 महीने पर यहाँ आ जाए, यहाँ शूट करें और यहाँ के आर्टिस्ट को लॉन्च करें। और मोस्टली क्या होता है, हम लोग रेगुलरली बहुत सारी चीज़ इसलिए भी नहीं कर पाते कि लोगों को ये रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन में शुरुआत में लोग खड़े नहीं होते, लेकिन एक टाइम पे उनको पता चल जाता है कि आपकी पहचान आपकी भाषा ही है। आज के टाइम पे आप किसी भी बंगाली, मराठी, साउथ इंडियंस, पंजाबी किसी से बात करें सबको अपनी भाषा आती है, लेकिन अगर हम बिहार आते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों से पूछे आपकी मातृभाषा क्या है, तो बिहार में ही रहने वाले लोग बोलेंगे हिंदी, जबकि हिंदी किसी भी बिहारी की बात मातृभाषा नहीं हो सकती, भोजपुरी मैथिली मगही अंगिका बच्ची का ही भाषा है और यही हमारी पहचान है। तो जो हिंदी बोलते हैं हम सब बोल सकते हैं हिंदी, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा भी आनी चाहिए।
क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो अगर भाषा मर जाएगी तो सोसाइटी भी मर जाएगा और उसका कल्चर, उसका फूड, उसका म्यूजिक सब मर जाएगा। तो दो तीन जनरेशन के बाद आप भूल ही जाएंगे कि आपका कोई था, सब खत्म। वो नहीं होने देना है हम लोगों को, क्योंकि भाई ये जो हम आज खड़े हैं या बात कर पा रहे हैं बिहार का, जो जैसे आई एम अ प्राउड बिहारी, ठेठ बिहारी हूँ मैं, वो तो मतलब कहीं अलग जाए तो लगता है कोई खराब बोल दे। आप लोग तो उसके कहते हैं ना प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप लोग देखे होंगे गूगल पे कि जब भी कुछ कोई किसी बिहारी को कुछ बोला है तो हम हमेशा लड़े हैं, चाहे वो चेतन भगत हो गया, सिद्धार्थ हो गया, है ना, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो बात उनको रखा है। मेरे घर में मेरे बिहारियों को कुछ बोला है मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, बस ये ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन, ये मेरा था प्रोसेस। कोई बोले ना बोले मैं और नितिन जरूर बोली। अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आपसे कई लोगों ने पूछा होगा कि वो दौर जब बिहार में कभी वैसा दौर रहा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर एंटर कर रही थी, आपने हम कई लड़कियों को देखा कि हम एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अलग सी चमक आपके चेहरे पर दिखी, आपने आते आते कहा भी कि अरे वाह इतनी सारी लड़कियाँ, तो कैसा लग रहा है बदला हुआ? आई थिंक लड़कियों में वो पावर होता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, और ये कोई थियोरेटिकल ये नहीं है। हर आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पोजीशंस पे गर्ल्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे खुद की टीम में 7 में 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के जो हैं वो हमेशा चेंज होते हैं, वो लड़कियां कभी चेंज नहीं होती। क्योंकि मैं बता दूँ, मैं उनको अगर 10 काम दे दूँगी तो लड़कियाँ 12 करके आएंगी, लड़के 5 करके आएंगे, 6-7, कोई ना कोई इश्यूज एक्सक्यूज रहते। मुझे जर्नी से मतलब नहीं है, मुझे आप मंजिल बताइए, क्योंकि लड़कियाँ हमेशा अपने आप को प्रूव करती रहती हैं। कुछ लड़के हैं इतने एफिशिएंट हैं क्योंकि वो जो लड़के हैं वो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, और वो वैसे लड़के चाहिए क्योंकि वो अपने आप में इतने कंप्लीट होते हैं, इतने सिक्योर होते हैं कि वो लड़कियों को एज अ मेल फेमिनिस्ट होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लड़कियाँ काम करती हैं और वो अपने पैर पर खड़ी होती है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि लड़कियों का स्ट्रेंथ उनका बैंक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैंक बैलेंस अपने पैसे से आना चाहिए, ना कि फादर का पैसा और हस्बैंड का पैसा और बॉयफ्रेंड का पैसा, ये सब आलसी लोग बात करते हैं। लड़कियाँ जिनको अपने वजूद, अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार होता है वो मेहनत करती हैं, और आप जैसे इस पोजिशन में बैठती हैं। बिहार की मैंने बात की कि बिहार में बदलाव कैसा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आई थी तो 1 लड़की थी, अंदर गई मैं वापस आई तो 6-7 लड़कियां थी। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, स्पेशली प्रेस मीडिया में, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, मैंने इतने सारे लड़कियों को नहीं देखा था। तो एक रेवोल्यूशन आप लोग भी कर रही हैं, और आई एम ऑलवेज विथ यू गाइस, क्योंकि जब भी आप लोग को स्पेशली गर्ल्स को 1-on-1 कभी भी करना हो, आई ऑलवेज बी अवेलेबल टू एनकरेज यू। थैंक यू सो मच। 2019, 2020, 2022 हो गया, सो लास्ट के 2-3 सालों में मैंने अपने आप को एज एन एक्शन एक्टर प्रेजेंट किया, और जब मेरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझसे मिले थे डेविड ज़िमॉन एंड केली मैडिसन, तो मैंने उनको बोला आई एम वेरी गुड, आई एम ब्लैक बेल्ट फॉर डन एंड टाइकोंडो, यू विल नेवर रिग्रेट वर्किंग विद मी। तो उन्होंने मुझे ये फिल्म नेवर बैक डाउन रिकॉर्ड आपकी फिल्म का नाम है, आप उसमें जया का किरदार निभा रहे हैं जी, तो कितना आसान रहा या कितना मुश्किल रहा उस किरदार को निभाना? और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हॉलीवुड में जो कलाकार काम करते हैं उनका रवैया कैसा है इंडियन लोगों के प्रति या फिर इंडियन कलाकारों? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज हॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो मेरिल स्ट्रीप हों, जब भी मैंने किसी से बात किया, या जेनिफर लॉरेंस हों, या जितने भी बहुत सारे लोग, माइकल बिस्पिन हो, केली मैडिसन, सब लोगों को इंडिया आना है, सब लोग इंडिया आना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ का स्पिरिचुअलिटी, यहाँ का कल्चर, म्यूजिक, दे लव बॉलीवुड म्यूजिक, दे लव पीपल, दे लव द क्लोथ वी वेयर, फूड वी ईट। इंडिया, आप US में चले जाइएगा तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में नॉन इंडियंस लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं क्योंकि दे लव इंडियन फूड। एंड आई पर्सनली फील दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने कल्चर को, म्यूजिक को, फूड को, सब को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। That was the first answer. What was the second question you asked? मैंने पूछा कि रवैया कैसा है? हाँ, ये है कि वो लोग आना चाहते हैं इंडिया और अडोर करते हैं लोगों को। हाँ, आपको बहुत प्यार मिला? मुझे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार मिला, स्पेशली बिकॉज हम ऐसी जगह से आते हैं बिहार से जहाँ पे बुद्धिज्म है, पीपल फॉलो बुद्धिज्म इन अ बिग वे,
उस तरह से वो बिहार को जानते हैं। उसके बाद मेरी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सब बिहार को जानते हैं और द फूड द कल्चर ये सारी चीज़ें जुड़ते हैं। तो आई थिंक दे वॉन्ट टू कम हेयर एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये केरला की तरफ जाके उनको योगा और ये सारी चीज़ें, फिर मुंगेर आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही आई थिंक बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि इंडिया से बाहर जाओ तो वहाँ के लोग यहाँ कितना आना चाहते हैं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हाँ, ये तो काफ़ी लंबी जर्नी है जो आपने एक लाइन में पूछ ली है, लेकिन आइडिया ये था कि बचपन में जब मैं टाइक्वांडो करती थी मुझे लगता था कि डिस्ट्रिक्ट खेल रही हूँ तो मुझे स्टेट खेलना है, स्टेट लेवल पर जब गोल्ड आ गया तो मुझे नेशनल्स खेलना था, नेशनल्स खेल रही थी तो मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना था। मैंने सब किया था। ये वही जर्नी है एक डिफरेंट रूप में। उस वक्त मैं स्पोर्ट्स स्टार बन गई थी, अब मैं फिल्म स्टार बन गई हूँ। आई थिंक जर्नी हैज़ जस्ट बीन रिपीटेड इन दैट वे। एंड जिस तरह का वो स्पोर्ट्स का यू नो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है और लगता है कि यू नो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और ड्राइव होता है, उसी को लेते हुए मैं बिहार से बॉम्बे पहुँची, जहाँ पे मैंने गरम मसाला में लॉन्च हुई अक्षय कुमार और जॉर्ज इब्राहिम के साथ, ट्रैफिक सिग्नल पे ओयला की, फिर साउथ में कुछ अच्छे कॉन्टेंट्स बन रहे थे। तो शेखर कमला जो मेरे फर्स्ट डायरेक्टर थे तेलुगु में, उनको नेशनल अवार्ड मिला था। और वो एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो जिन्होंने इंडियन और वेस्टर्न लुक दोनों, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन किया एंड आई डिड तेलुगु फिल्म विच वॉज अ नेशनल अवार्ड डायरेक्टर। फिर मैं पांडिचेरी में 1, 2, 3 शूट कर रही थी, तब विक्रम के कुमार जो आज के टाइम में सूर्य और नागार्जुना सर के साथ बहुत सारा काम करते, उन्होंने मुझे कुछ स्टोरीज सुनाई पांडिचेरी आकर, तो मैंने साउथ की फिल्म की। फिर मैं हॉलीवुड करने लगी क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कम एक्शन फिल्में बनती थी, खासकर लड़कियों। हाँ, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल, मतलब लड़कियों की ही बात कर रही हूँ तो उसमें तो बनती ही नहीं थी। तो मुझे लगा कि एक्शन मैंने बचपन से किया, मैं ब्लैक बेल्ट 4 डन इन टाइक्वांडो, आज मैं टाइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन मुझे एक्शन फिल्म करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील होता था, कहीं सैचुरेशन लगता था कि देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग। तो मैं 2017 में मैंने इरफान सर को मैसेज किया था कि सर मुझे ना आप हॉलीवुड में काम करते हैं तो मुझे मिलना है वहाँ पे लोगों को, कैन यू गिव मी इंट्रोड्यूस। तो उन्होंने मेल किया था कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, यू मस्ट मीट हर। मैं पहली बार मिलने गई थी ब्रिस्टी मैनेजमेंट से जो मेरा काम संभालती थी, एंड देन आई केम बैक क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं हो पाया था, दे नीड अ वर्क वीज़ा, ये करो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी थी, दे नथिंग हैपेंड। देन 2019 में मैं वर्क वीज़ा बना के बहुत सारी और सेटअप। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।